वाले कहने से वो किराए का दूल्हा बनके और वो झूठे वह फैलस वे दिखाओगे फेरे अपनी तरफ से तो दिखाओगे लेकिन पंडित जी ने असली पढ़ा दिए पंडित वो फेरे ले लेता है चंद्रगुप्त और सेठ का साहूकारों से ये वादा था के बा जो चीज छन्ना पे मिलेगी बेटा वह तेरी होगी ये बनडी ने ना ले जाओ मारा काना कदे नुकाई नु रह जाए। वादे के अनुसार वहां से चला जाता है और उल्टा उल्टा लगाओ चंद्रगुप्त कार तो तू गलत करने लग रहा है कि फेरे तेरे साथ हुए और इसको बैठाया किसी और के साथ जाएगा डोले में। अरे भाई यह बात खपन की नहीं, जब वो उल्टा आया तो हुए ठाड अगर के सेठ थे तो बेचारा हुए गहने दरिया हुआ था धमका दिया नहीं बोला जा हक पड़े बंगड़ साड़े गए राई पकड़ गया। रस्ते में प्रेमी सजनों ऐसा बताते हैं कि ऋषि महात्माओं का ब्राह्मणों का प्रचार हो रहा था और उस प्रचार में जति सती के धर्म की चर्चा वो ऋषि लोग वो ब्राह्मण लोग कर रहे थे। उस कथा को सुनता है और चंद्रगुप्त का दिमाग पलट गया नहीं बोला अब करी दे तने बहुत माड़ी वो भी सिर्फ दो दिखावटी चीजों के लोग काल न जब अगर वो सती वीर होगी उसके धर्म को हानि होगी अगर वह चीज नहीं ले जाता तो तेरे एकले की काया क्या आनंद होता और अगर अब तू ऐसे चला गया चीज देकर तेरी भाभी ने तेरी माँ ने तू अपनी जात तो बचा लेगा लेकिन उड़ जात कटेगी धर्मराज के जवाब देगा। वो जति सती की क्या चर्चा कर रहे थे और विचार बदलते उन बातों को उनमें दोहराता दोहराता वापस चलता है संगलदीप की तरफ क्या विचार बदलते हैं और जति सती का लोगो आज भी कहे जति सती गणे दाता ने गणाया है जति सती कूण हो है एक एक बोल गणियो बुजुर्गो आप लोगों के लिए कैसे कूण जति सती होता है क्या धर्म होता है क्या बताया भला। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे बुजुर्ग हमारे पिता समान आदरणीय बलवान सिंह जी काफी मान सम्मान पहले किया 100 रुपए से और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं अंकल जी को बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद है। जति मर्द और सती वीर का यो डंगरी सी बताऊं जति मर्द और सती वीर ना कदे गैर तो नजर में लावे। ऐ लोगो आपने गाने सुने होंगे ये तो बुजुर्गों ने भी सुन रखे युवा साथियों ने विशेषकर ये गाना आया के जोड़ियां बनती हैं आसमानों में सुना होगा बम्बई आड़ा ने बनाया दादा ने यू बोल लाए बिना बता रहा है जोड़ी आसमानों में कैसे बनती है। जब एक कन्या का जन्म होता है जब एक बच्चे का एक लड़के का जन्म होता है
लोगों उसी दिन से परमात्मा ये निश्चित कर देता है अगर अपने धर्म पे रहेंगे, अगर वो कन्या सती वीर बनकर उभरेगी और वो जती रहेगा, उसी दिन से लिखा होता है कि इसके भाग का वर ये है। हमने जात पात भी बनाई, हमने धर्म भी बनाए कि ईब के ब्याह जात बार के करते नहीं लोग निरय कर रहे हैं, वो लिखा हुआ है। अगर वो सती है तो संकल्प जप्यता करो और जब परमात्मा का करना दो उसे गेल होगा, और जति सती है तो कितना है तो टोटा है जो आजकल तो दौर बदल गया, दौर टोटा है जाना खसम गए गनघरी तो कोर्ट में जाकर करा के तलाक के कागज पीर बैठ जाए दूसरे ने अपना लिया, सती वीर होगी टोटा कितना है जवा गेल रहेगी। क्या धर्म बताया है, क्या कहा, और पतिव्रता का ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे, ओ आसमान वाले जमी पर उतर के दे, होती है क्या जुदाई, होती है क्या जुदाई के तू भी बिछड़ के दे, आसमान वाले आसमान वाले जमीन पर उतर के दे। हमारे बहुत ही लाडले भाई विजय कुमार दालमवाड़ा से, ये युवा साथी क्या उन पर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद भाई विजय। और विजय जिनका लड़का है चंद्रभान जीओं का, जो मेरे पिताजी के साथी रहे जब क्योंकि बूढ़ा दौर था वो गाने का, उस समय में वो म्यूजिशियन हुए, और ये भी भाई इस लाइन में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छा गढ़ा बजाते हैं, क्या उन पर सम्मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और अच्छा अच्छा ये आदरणीय संजय कुमार जी हमारे फूफा जी सांगी, पता चला है कि यहाँ सांग भी चले हुए हैं गौ माता के निमित्त, ये क्या उन पर से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद है। और सुरबुरा से रमेश कुमार जी हमारे बहुत ही आदरणीय, क्या रूप से मान सम्मान करते हैं, पहले भी काफी मान सम्मान किया। ओ मैं कर दूंगा काम पंडित जी जो साधु कहे फिर बाड़े मत नाट तक आया था, फिर भी उसके लाडने के ऊपर नाटूंगा। हमारे लिए बहुत ही आदरणीय अपने समय के बेहतरीन बैंजो वादक, क्योंकि जो पुराना दौर था वो लौट के आना बहुत मुश्किल है। मेरे पिताजियों के अभिन्न मित्र हैं सुभाष चहल जी, 51 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, अंकल जी को बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद है सुभाष नाम है ना, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद है लोगों। दूसरा नंबर है नुबले वो बहुत माड़ी कार करी, केवल दो चीजों के लोभ हुए, अरे उसकी माँ पे क्या बीतेगी, उसके बाप पे क्या बीतेगी, वह छोर आड़े थे ऐसा बताते हैं लोगो, लड़का आड़े का दर्जा हमारे समाज में सदियों से न्यू बता के आगे बड़ा है, लेकिन आपने जिसने रामायण पढ़ी है, जिसने रामायण टीवी पे भी देखी है, आपने देखा होगा जिस समय श्री रामचंद्र को बिहाने के लिए राजा जनक के यहाँ दशरथ जाते हैं बारात लेके, और वो उनका स्वागत करता क्योंकि बेटी आड़ा था, निबोला नहीं आप पढ़े हैं, मैं तो ये देखे कन्या का दान लेने पे खारी भड़का रहा, तू दाता है तू बड़ा है, ये समाज की नीयत चाहिए। हेलो गो उन भी वह भी दंगताना करेंगे, अर्ज उसकी माँ पर कह बीतेगी, पेट की आग है पेट की आग, उसका दुख दादा मांगे राम ने लिखा है कि जिसकी बेटी सुखी बताऊं अमृत का छड़का है, उन पर कह बीतेगी, मन ने के करया क्या कहा। दो चीज़ा के लोभ माया के मन करती
चार ढेर पटते मात मरे से आज पेट की और रात के खा दिया सुंदर हमा और जन्म धूप जेठ की एकले की के पार पड़े ओ, एकले की के पार सो तुझे दान फैलावे ए सती मरवे रे सती भी कर पे नजर मिलावे छोरे रे जुगे सती वीर का जो धरि से बतावे सती मरवे रे सती भी कर पे नजर मिलावे सती मरवे रे सती भी मित्र भोंगरा गांव से भाई जोगिंदर कौशिक जी बेहतरीन युवा गायक 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। गोल्डन साउंड की तरफ से आदरणीय रणधीर सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। यागर की बात आएगी भाई अगर की के आएगी नडाना तो बत्ती प्रेम दो बड़ोदन हो रहा हमारे पिताजी दे भाई यहाँ ये कर्म भूमि है मेरे पिताजियों की। हमारे पिताजी 500 रुपए गौ माता के निमित्त गौशाला में दिए और 100-100 रुपए से 4 पार्टियां हैं इनका मान सम्मान करके गए। पिताजियों को चरण वंदन करते हैं, बार बार धन्यवाद। तीसरा नंबर है लोगों, तीसरे नंबर छोटे भाई अंकित चहल साहब छोटा होगा अपना तो 51 रुपए से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद है। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय इस लाइन में मेरे पुराने साथी रहे और समय समय पे इन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया। ब्राह्मण भागीरथ शर्मा जी अलीपुरा से बेहतरीन गायक भी म्यूजिशियन भी हमारे परम सहयोगी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। अब भूल गया मुझे भाई अमित चहल बड़ौदा आपके गाँव से उत्कृष्ट गायक माने अंग्रेजी आड़े समझो तो एक्सलेंट सिंगर ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और तीसरा नंबर है लोगों गौर करना क्या बात कितनी की बात छुपाऊं तड़के तो इस बात का भेद पटेगा और भेद पटने न्यू हो जाएगी कम वार्ता के का दादा ने जरूर जाने पाते पंदी वरता हो धर्म की पूरी वह क्यों करे जले डाटे उस बनने की शान देख के सब नगरी नाटे मात पिता ने भली सोच ली ना आप जहर चाटे मैं देखूं वेदा पह पल्ला करके देखूं वेदा पह पल्ला करके मैं कितना दान बलावे सती मरदे रे सती वीरना पैर पे नजर मिलावे सती मरदे रे सती वीरना जो डगरी सी बतावे सती मरदे रे सती वीरना पैर पे नजर मिलावे सती मरदे रे सती हमारे बहुत ही आदरणीय खापड़ गांव से आदरणीय नरेंद्र सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, युवा साथी ने नाम नहीं बताया
काफी बार बार करके 100-100 रुपए से 51-51 रुपए से हमारा मान सम्मान करते रहे। युवा साथी को भी बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद है। अंतिम कली है, एक कली रहेगी, अंतिम कली है, क्योंकि न्यू है, फिर बार बार बैठ कर उठना पड़े, जो सम्मान समारोह वो चलता रहेगा। ऐ लोगों, विचार करते हैं कि भाई इस बात का समाधान हो तो क्या हो, कि जिस समय तू पहली विडंबना में था, जब चीज नहीं मिले थी, उस समय भी एक साधु ने तेरा मार्गदर्शन किया था, उस साधु ने तेरी व्यथा को काटा था। अब भी उसी साधु के पास चलूं तो राह बताओ तो बताओ क्या। साधु के पास चलू, उस साधु के पास चलू, मेरा जब कुछ बह भागेगा, सती मर्दी और सती वीर ने किसना त्यागेगा, पतिव्रता का धर्म बिगड़ गया तो जग अवगुण रागेगा, खबर सेठ के ना दोस्त लगे नाव पड़ी मजदार बीच में, नाव पड़ी मजदार बीच में, ओ साधु पार लगावे, सती मरियो रे सती वीर ना गैर ते नजर मिलावे, सती मरियो रे सती वीर का जो डंगरी सी पता।